ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह आपको मिलेगा 20 स्टॉक्स का डेली डोज। कल के एक बार स्टॉक्स बता देते हैं जहां पे आपको अच्छी खासी कमाई हुई। एंजल वन, अतुल ऑटो, मासगोडॉक, NHPC जैसे काउंटर्स से जहां पे आपको जम के कमाई के मौके मिले। तो ऐसे ही मौके आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले ग्लोबल संकेत देखते हैं तो सिंगापुर निफ्टी में करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट है। जाहिर सी बात है, US के मार्केट्स में जिस तरह की गिरावट देखने मिली, ब्याज दरों में जो बढ़ने का डर है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो है वो अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स देखने मिल रहा है। इसके लिए आपने देखा कि US के मार्केट्स में भी अच्छी खासी गिरावट हुई। डाउ जोन्स, नैसडैक, S&P हर जगह एक एक डेढ़ डेढ़ परसेंट के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। इनफैक्ट 2% के आसपास की गिरावट जो है वो नैसडैक में देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट सिंगापुर निफ्टी पे है और इसी का इम्पैक्ट आप एशियन मार्केट्स पे भी देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स देखिए और गिरावट के संकेत दे रहे हैं। एशिया के मार्केट्स में भी गिरावट साफ दिखाई दे रही है। तो आज आशीष ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट? गिरने वाले ये तो तय है, गिरने वाले तो हैं, लेकिन कहाँ तक गिरेंगे? कहाँ तक गिरेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है कि गिरेंगे लेकिन कहाँ तक गिरेंगे और कहाँ से रिबाउंड आएगा। हालांकि ये तो आपको शेयर बाजार लाइव में अनिल जी और दीपांशु बताएंगे, लेकिन हाँ, इस गिरावट में भी काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ सेल आइडियाज है जो मेरे टीम में है। आशीष, आपने आज क्या रणनीति? देखिए, ग्लोबल चिंता हावी होती हुई नजर आ रही है। 200 अंकों की गिरावट, SGX निफ्टी अभी भी काफी भयानक लगता है। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 1% है, लेकिन इंडेक्स पेन आता है। इसके बाद अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग काफी शानदार थी, ढेर सारे सेक्टर्स जैसे थे। इनफैक्ट कल हम चर्चा भी कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम स्टॉक्स का दिन हो सकता है और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। वायदा बाजार के स्टॉक्स में जो है भरपूर एक्शन था, लेकिन अब आज जब 200 अंक नीचे हम खुल रहे हैं तो फिर बड़ा सवाल यही है कि अब यहाँ से रिकवरी आएगी भी कि नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, हफ्ते का आखिरी दिन है, ओवरनाइट पोजीशंस कोई लेके जाना चाहता नहीं है, वो रिस्क होता है वो बरकरार आ रहा है। अब देखिए, कल तक सब कुछ सही था, कल इतनी बढ़िया तेजी थी, लेकिन आज ये सरप्राइज जो हमें मिला है आपके लिए आसान है, आज मुझे बड़ा वक्त लगा है क्योंकि टेक्निकली कहीं सेल के इंडिकेशन ज्यादा नजर नहीं आ रहे और सेल कॉल्स के बिना आपकी जो सूची है वो पूरी होगी नहीं। तो अब वो क्या होगा आशीष? देखिए, कल हमने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था, 100-250 DMA सबको पार करके ऊपर चले गए थे और पिछले दो दिन अगर आप देखेंगे तो इन लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहे थे। आज फिर से वो दिन होगा, आप गिरेंगे फिर वापस 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA इनके बीच में नाचते रहेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ऊपर जाना यानी कि जो 100 DMA था कल 285 के आसपास था, उसके ऊपर जाना अब मुश्किल होगा आपका। और मेरे ख्याल से जो 200 DMA था 177 के आसपास था, 17170-17180 के आसपास, तो अब उसके बीच में ट्रेड जो है वो होते हुए आपको आज फिर दिखाई देगा। लेकिन चलिए, हमने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया कि 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देंगे, तो कैश का कॉल आशीष बताइए। देखिए, मैंने चुना है SGVN, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए, स्पेस से नजर नहीं हट रही है वरुण। देखिए, दो दिन लगातार आपको NHPC बताया, पहले दिन बताया 3-3.5% की तेजी आई थी, कल भी बताया 3-4% की गेंद और बढ़िया क्लोजिंग हुई है NHPC। अब देखिए, क्योंकि सेक ऑफ रेपुटेशन हो जाता था कि बार बार एक ही स्टॉक ला रहा है, हालांकि मन तो मेरा था कि इसे IPL स्टॉक के तौर पर दे दूं। अभी भी वो आया नहीं है, IPO प्राइस के ऊपर, तो आप दे सकते हो। बिल्कुल दे सकता हूँ, IPO प्राइस के ऊपर जिस दिन निकल गया ना तो फिर आपको लगेगा कि 5 दिन हफ्ते के कंटिन्यूस इस स्टॉक को मैं अपनी लिस्ट में शामिल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सीरीज ऑफ हायर हाइज यहाँ पर देखने को मिल रहे, बहुत बढ़िया ट्रेंड है, अच्छा अक्यूमुलेशन नजर आ रहा है मुझे चार्ट पर, लेकिन क्योंकि दो दिन से लगातार बता रहा हूँ तो आज फिर से रिपीट नहीं करना है। इसके लिए SGVN यहाँ पर आप खरीदारी करके चले और ट्रेडिंग पोजीशंस बनाइए, पहले इसको वॉच करेंगे, 31 के पार निकल गया तो रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि NHPC ज्यादा मजबूत है, SGVN इतना मजबूत है नहीं, लेकिन फिर भी सेफर साइड आप 28.85 का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, अच्छे स्टॉक आप ढूंढ के लाते हो, 54-58 के स्टॉप लॉस का टारगेट रहते हैं। क्वांटिटी भर भर के लीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, तो क्वांटिटी भर भर के लेना है, प्राइस टारगेट 1-2 रुपए के आसपास के ही रहते हैं। चलिए ठीक है, मेरे तरफ से जो कैश का कॉल है वो है रेलटेल का काउंटर। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। बेसिकली इस कंपनी को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स के ऑर्डर जो है वो मिले हैं, करीब 30 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। इमिग्रेशन वीज़ा एंड फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग के लिए ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पर देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी कीजिएगा, 121 का टारगेट लगाना है, 115 का स्टॉप लॉस रखना है इसमें। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की कैटेगरी, और आज तकलीफ है कि जिन स्टॉक्स के नतीजे थोड़े भी खराब आए होंगे ना, उनके आज जम के पिटाई होने वाली है, और उसमें एक काउंटर है टाटा कम्युनिकेशन का। अगर आप नतीजे देखेंगे तो अनुमान से तो हर पैमाने पे कमज़ोरी है, सबसे खासकर यहाँ कमज़ोरी कंपनी के एबिटा पे देखने मिली, जहाँ 1120 का अनुमान था 1046 करोड़ के आसपास ही आया है। मार्जिन 26.2% का अनुमान था, 24.5% पे आया, यानी कि बढ़ोतरी का अनुमान था और गिर गए हैं मार्जिन, और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें भी 7.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। तो हर पैमाने पर नतीजे थोड़े कमज़ोर है,
भले आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी लगती हो टाटा कम्युनिकेशन की, लेकिन आज तो ये गिरेगा। इसके लिए फ्यूचर में आप बेच के चलिएगा 1245 के लक्ष्य के लिए 1300 रुपये का एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस भी रखना है। और याद रखिए, आज के ट्रेड में टारगेट हो स्टॉप लॉस हो, जो पहले आए वहाँ आपको अपनी पोजिशन निकाल लेंगे। तो चलिए फ्यूचर्स में मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ ग्रैनुअल, जहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। जैसे कि शो की शुरुआत में डिस्कस भी कर रहे थे, देखिए मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई है आज शॉर्ट स्टॉक ढूंढने में, इतना समय लगा है। तो इनफैक्ट ये स्टॉक मेरी इन्वेंट्री में ही था, और मैंने कल भी कहा था कि बाजार में अगर गिरावट आती है तब आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, लेकिन कल बाजार में गिरावट आई नहीं। आज तो आप देखिए ऑलरेडी आपको 200 अंकों की गिरावट नजर आ रही है, बाजार खोलने से पहले एसजीएक्स निफ्टी आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो हो सकता है कि जिस ब्रेकडाउन की उम्मीद में कल हमने पोजीशंस ली थी आज वो काम करते हुए नजर आए। कल भी सजेस्ट किया था स्टॉक, लेकिन कल काम नहीं किया। जिन्होंने कल अपनी पोजीशंस बनाई है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो होल्ड करके चले, और आज भी एक शॉर्ट का जो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है सेफर बैठे, क्योंकि बाकी सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कंफर्ट नहीं है। देखिए वरुण, हाई बीटा होते हैं बैंक्स, जब भी बाजार में इतनी बड़ी तेजी या गिरावट आती है तब आप बैंक्स को बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो, लेकिन कल आखिरी एक घंटे की जब खरीदारी आपको बैंक्स और फाइनेंशियल्स में देखने को मिली, आप एलएनटी फाइनेंस को देखिए 10% वायदा बाजार का स्टॉक बढ़ जाता है, सर्किट लगा देता है, एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी आई, बैंक्स में सब में खरीदारी आई, तो कुछ तो कारण होगा, कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है जो इन स्टॉक्स को एक्युमुलेट कर रहा है। तो आज बिकवाली करने में डर लग रहा है, तो ग्रैनुअल्स यहाँ पर क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं है इतना ज़्यादा, 282 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाइए, और 4-5 रुपये ऊपर जो आपकी एंट्री प्राइस है वहाँ से आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी ऑप्शंस, और ऑप्शंस में भी करेंगे बिकवाली। आपको देखिए पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पर फोकस बनाकर चलना है, लेकिन बाजार की रिकवरी के साथ यहाँ पर अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं इन्हें आप बहुत ही जो है अच्छी कन्विक्शन के साथ लगाकर रखें। जैसे ही आप देख रहे हैं कि बाजार में रिकवरी आ रही है, तेजी आ रही है, बैंक्स फाइनेंशियल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब आप अपनी इस कॉल को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए। 2200 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हो, दिन के दौरान अगर 2200 का भी स्तर एक कैश में छूता है तो इस पुट ऑप्शन की जो वैल्यू है वो करीब 48 रुपये हो जाएगी, 30-31 के आसपास फिलहाल आपको मिल जाएगा। आप केवल 26 का लगाइए स्टॉप लॉस, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड पूरा कैलकुलेट कर रखा है, आप यहाँ पर पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। चलिए तो यहाँ पुट ऑप्शन में आपको खरीदारी करना है पिरामल एंटरप्राइजेस के, और मेरा भी एक पुट ऑप्शन ही है और वो है विप्रो का। विप्रो का जो 540 का पुट ऑप्शन है ना वो आपको खरीदना है 13 रुपये के लक्ष्य के लिए, 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए जिस तरह से नैसडैक में गिरावट आई है, एक बात तो तय है कि आज आईटी काउंटर जो है उनकी थोड़ी बहुत पिटाई हो सकती है। कल के दिन अगर देखेंगे तो आईटी काउंटर में अच्छा खासा रिवाइवल आया था, लेकिन अब जाहिर सी बात है इस तरह का मूड माहौल है तो वो टिकने वाला तो है नहीं। और विप्रो एक ऐसा काउंटर है आईटी स्पेस में जो गिरावट में भी सबसे आगे होता है और तेज़ी में भी सबसे आगे होता है, और आज होने की गिरावट इसके लिए यहाँ पुट ऑप्शन के जरिए आप कमाई कर सकते हैं। 540 ऑलमोस्ट एट द मनी है, यह आप खरीद के चलेगा 13 रुपये के लक्ष्य के लिए, 8 रुपये का स्ट्रिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए ऑप्शंस तक पहुंच चुके हैं, आगे काफ़ी सारी कैटेगरीज बची है, इनका कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 14 स्टॉक्स और बचे हैं। और अब वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। ओके आशीष, एक टेक्निकल पिक मेरे पास जो है वो बैंकिंग काउंटर है और वो है एक्सिस बैंक। देखिए आपने इसके पहले भी देखा है जब जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तब तक बैंकिंग काउंटर्स जो है उनमें अच्छा खासा उछाल देखा जाता है, एटलीस्ट मार्केट को सपोर्ट करने के लिए सामने आते हैं। और अब देखिए फिर से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी है तो यहाँ पे बैंकिंग काउंटर्स आज थोड़े फेवर में रह सकते हैं, थोड़ी बहुत तेजी जो है बैंकिंग काउंटर्स में आ सकती है। और वैसे ही पिछले कुछ दिनों से देखें ना तो एक्सिस और ICICI बैंक ये दो बैंक्स थे जो लगातार तेज़ी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आज गिरावट में भी मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। नो डाउट कल भी हमने आपको HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड बताया था, याद कीजिएगा आशीष की टीम में HDFC बैंक था, मेरी टीम में HDFC लिमिटेड था, दोनों ही काउंटर में किस तरह की तेज़ी देखने मिली है। और इसी तर्ज पे एक्सिस बैंक जो है वो भी मुझे टेक्निकली काफ़ी अच्छा लगता है, और आज तो रीज़न भी है इन बैंक्स का चलने का। एक्सिस बैंक के यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 825 के लक्ष्य के लिए, 790 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला है फंडा पिक। अब फंडामेंटली एक स्टॉक पसंद आता है CCL प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है, क्योंकि देखिए जो चाय के दाम है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। ओवरनाइट कॉफ़ी के दाम जो है उसमें करीब 3-4% के आसपास के गेंस आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आज आपको चाय और कॉफ़ी स्टॉक्स में देखने मिलेगा। इसके लिए CCL प्रोडक्ट जो है वो मैंने चुना है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 405 के लक्ष्य के लिए, 380 का स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरे तरफ से टेक्निकल और फंडा पिक में बता चुका हूँ, आशीष आपकी बारी। टेक्नो फंडा पिक दोनों आपने बता दी, चाय कॉफी स्टॉक से आपका भी फोकस पूरा बना हुआ है। कल मैंने भी दो स्टॉक बताए थे आपको और वहाँ पे हालांकि प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक दिन का और समय देखे देखिए आशीष, हमने मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले बताया था श्रीलंका में जब इश्यूज हुए थे कि किस तरह से चाय के स्टॉक्स जो है वो भागेंगे, और देखिए किस तरह से चाय के स्टॉक्स में तेजी आई। उसी दिन जिस दिन बताया था सबके सब स्टॉक्स में 15-20% की तेजी आ गई थी, लेकिन कन्विक्शन बना हुआ। इनफैक्ट टाटा कॉफी हालांकि अपना प्लांटेशन कारोबार बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी चार्ट का स्ट्रक्चर बढ़िया, सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो आता ही है।
तो CCL प्रोडक्ट्स पर भरोसा बना हुआ है। मैं अपनी टेक्नोपिक बताता हूँ, मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, वो है सन फार्मा। अब इस बात को मैं आपको बता देता हूँ कि तेजी एक दिन में नहीं आएगी, ओवरनाइट नहीं आएगी। ये L&T फाइनेंस नहीं है जो दिन में 10% चल जाएगा, ये है ना हाथी है, बड़ा स्लो चलेगा लेकिन चलेगा। और यहाँ पर देखिए तो बहुत बढ़िया अक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल रहा है, छोटे चार्ट्स पर नहीं, आप वीकली चार्ट पर जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखिए, आपको नजर आएगा बहुत शानदार अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। इस स्टॉक को लगातार हम अपनी लिस्ट में शामिल करते रहेंगे, तो आप 1050 रुपये के लक्ष्य के लिए आप ट्रेडिंग पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। और जिन्हें खरीदारी करनी है लंबी अवधि या मीडियम टर्म के लिहाज से, वो भी यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके चल सकते हैं। तो जिसके चलते आप खरीदारी करिए 1050 रुपये के लक्ष्य के लिए, 900 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। सन फार्मा, मेरा पूरा कन्विक्शन जो है इस स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है नतीजों वाला स्टॉक है। हालांकि नतीजों से पहले एक ही दिन में 8% का बड़ा मूव आ गया, लेकिन इस 8% के मूव से पहले भी देखे तो करेक्शन भी आ गया था, तो कहीं ना कहीं नलिफाई हो रहा है। कल का जो 8% का मूव था वो नलिफाई हो रहा है, लेकिन इनका बिजनेस मुझे बहुत पसंद है। देखिए ये बिजनेस ऐसा है कि आप कभी भी डिबेंचर्स इशू कीजिए, बॉन्ड्स इशू कीजिए, आपको रेटिंग कराना तो अनिवार्य है। आप रेटिंग कहाँ से कराएंगे, कैड से, क्रिसिल से, इकरा से, इनका ही नाम चलता है पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम है। आपने देखिए जैसे ही आपने अपने बॉन्ड इशू किए, आपने रेटिंग लेने के लिए क्रिसिल से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन इसके बाद जो है लगातार जब भी रिव्यू करेंगे, आपसे चार्ज करेंगे, तो एक एनुइटी जो है आपको जो इनकी रेवेन्यू है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिहाज से भी खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि नतीजे इतने शानदार आए हैं कि अगर आप एक महीने का समय स्टॉक को देंगे तो आपको बड़े आराम से 10-15% तक के रिटर्न जो है देखने को मिल सकते हैं। 3600 रुपये के लक्ष्य के लिए आप क्रिसिल में जो है एक महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे। चलिए, तो क्रिसिल में आपको एक महीने का व्यू बना के करनी है खरीदारी। अब IPL स्टॉक्स की बात करते हैं, तो मेरा आज का IPL स्टॉक है पॉलीकैब। थोड़ी देर हो गई स्टॉक देने में, एक्चुअली कल भी मैंने इसको देखा था, लेकिन मैं सोचा कि थोड़े दिन बाद दूंगा। कल ही 4-5% के आसपास के गेंस आ चुके हैं इस काउंटर में, लेकिन इसके बावजूद अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, 3100 के आसपास के लेवल जो है वो आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। अगले 4 महीने का लक्ष्य लेके चलिएगा, अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। तो IPL स्टॉक मेरे तरफ से है पॉलीकैब। आशीष, आपका IPL स्टॉक? IPL स्टॉक मुझे पसंद है एबिट इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, निवेश के लिहाज से खरीदना है। और पहले ही बता दूँ कि जो शॉर्ट टर्म गेंस के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। जो लंबी अवधि के लिए पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी करके कन्विक्शन के साथ होल्ड कर सकते हैं, उन्हें एबिट इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। आप जितने भी MNC फार्मा कंपनीज देख लीजिए, सबकी पी बहुत हाई है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर आप ग्रोथ के आंकड़े देखें तो बहुत ही निराशाजनक है। इनफैक्ट इनके ग्लोबल काउंटर पार्ट इनसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन एबिट इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वैल्यूएशंस का भी कंफर्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी शानदार, और साथ में अगर आप देखें तो जिस प्रकार की ग्रोथ लगातार स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, थोड़े दिन पहले भी काफ़ी बार मैंने स्टॉक बताया था, जब आपको 16-17 हज़ार के स्तर से बताना शुरू किया था, एक तरफा 24 हज़ार तक गया था, तो दोबारा वहीं तक के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यानी 24 हज़ार का लक्ष्य है, 12 महीने का व्यू आपको बनाकर चलना है। एबिट इंडिया अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए। बढ़ते हमारी जो अगली कैटेगरी है यानी खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर स्टॉक मैंने चुना है बारबेक्यू नेशंस। वैसे खबरों का अभाव था, खबरें हैं ढेर सारी, लेकिन दमदार कोई भी खबर ऐसी नहीं जिसके ऊपर आप प्ले कर पाएं। और जितनी भी खबरें हैं नतीजे हैं, ज़्यादातर अच्छे नतीजे तो सब आपने अपनी लिस्ट में शामिल कर ही लिए, तो मेरे पास तो विकल्प यही बच जाता कि फिर मैं आपको छोटी मोटी खबरें बल्क डील्स वगैरह बताऊं। सबसे अच्छे नतीजे तो आपके पास थे क्रिसिल के। बारबेक्यू नेशंस, यहाँ पर देखिए आशीष कचोलिया का जो नाम आया है बल्क डील्स में, तो यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार का मूड मॉल है ना थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, तो स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखना है। 1165 जो है बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस है, 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए आप जो है इंट्राडे खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है साइंट का, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। खासकर मार्जिन देखिए, करीब करीब 0.5 से 1% के आसपास की बढ़ोतरी जो मार्जिन में देखने मिली, 13.8 से बढ़ के 14.4, और मुनाफा जो है 17% बड़ा है। यही नहीं, कंपनी ने 14 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है, रेवेन्यूज भी हैं फ्लैट रहे हैं, एबिटा जो है उसमें 4% की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो काफ़ी कम कंपनियाँ हैं जो कि ऐसे मार्केट में अच्छे खासे नतीजे पेश कर रही है। तो यहाँ पे 865 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 820 का रखना है एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस। तो साइंट मेरे तरफ से खबरों वाला स्टॉक। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर भी एक कंपनी खरीदी है मैंने, लेकिन देखिए लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक के अंदर जो है खरीदारी करनी चाहिए, वो है रोसेल इंडिया।
कल जो बॉक्स थ्योरी की हम बात भी कर रहे थे उसके हिसाब से भी यहाँ पर जो एक इंडिकेशन आया कि बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। कल 12% के उछाल के साथ जो है स्टॉक बंद हुआ है, तो 260 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए और केवल 20-21 रुपए नीचे जो है आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक की लिस्ट में जीई शिपिंग, यहाँ पर भी देखिए तो स्ट्रक्चर बढ़िया और आज दिन के दौरान अगर ये स्टॉक आपको सस्ता मिलता है बाजार की गिरावट में तो आप एंट्री कर सकते हैं और धीरे धीरे 400 के पार जाने की तैयारी रख रहा है। 405-410 रुपए जो है ये टेक्निकली लक्ष्य निकल कर आ रहा है। आप 390 यानी फिर अपनी जो एंट्री प्राइस होगी उससे 5-8 रुपए नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाकर भी जी शिपिंग में खरीदारी करके चल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनएलसी इंडिया, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। कोल इंडिया काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया और ये एनर्जी पैक अभी ऑफ रेडार इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं, यहाँ पर बस बरकरार देखने को मिलेगा। तो 85 रुपये का लक्ष्य एनएलसी इंडिया में और करीब करीब 79.50 का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए तो माय चॉइस में मेरे तरफ से एक खरीदारी दो बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है एलएनटी टेक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। नतीजे ऑलमोस्ट अच्छे लग रहे हैं और कुछ डील विंस भी इस कंपनी ने किए तो उसका इंपैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। 4400 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है 4190 का। बिकवाली में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है क्योंकि इस कंपनी के नतीजे जो है वो कुछ हद तक कमज़ोर है। खासकर अगर आप देखेंगे तो कुछ रेशियोज जो है वो इस कंपनी के काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। आप देखिएगा कंबाइंड रेशियो 103% के आसपास आ गया है, यानी कि ये कंपनी जो है वो काफ़ी हद तक अंडरलाइन लॉसेस कर रही है, तो ये एक दिक्कत की बात है। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का अनुमान से कम है, करीब करीब 9.5% के आसपास की गिरावट वहाँ देखने मिली है। तो आज शायद दबाव में रह सकता है। 1365 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1420 का स्टॉप कर सकते हैं। और आखिरी काउंटर है अपोलो टायर्स, यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। एक हाई बीटा काउंटर है और मार्केट की गिरावट के साथ खासकर स्टॉक में गिरावट होती है, सिर्फ इसके लिए मैं यहाँ बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 200 के आसपास, 199 के आसपास का टारगेट रखेगा और 207 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए स्टॉक्स की सूची हो चुकी है पूरी और अब देख लेते हैं हमारी टीम में हमने कौन से स्टॉक्स को शामिल किया, यानी कि रिकैप। कैश का काउंटर है, रेलटेल ऑर्डर विन की खबर आई उसके चलते आप खरीदारी कीजिएगा। टाटा कम्युनिकेशन के फ्यूचर में करनी है बिकवाली क्योंकि नतीजे आए हैं और नतीजे कमज़ोर है। विप्रो 540 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली एक्सिस बैंक अच्छा लगता है, फंडामेंटली सीसीएल प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है। वैसे भी कॉफ़ी के दाम जो बढ़े हैं उसका इंपैक्ट जो है टी एंड कॉफी स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। आईपीएल स्टॉक है पॉलीकैप, 3100 के लक्ष्य आपको 4 महीने में देखने मिल सकते हैं। खबरें साइंट में हैं, नतीजे अच्छे हैं उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में एलएनटी टेक में करनी है खरीदारी लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और अपोलो टायर्स में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है साइंट का क्योंकि जो नतीजे कंपनी के आए हैं हर पैमाने पे बीट है, खासकर मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, मुनाफा 70% बढ़ा है। तो आज हो सकता है कि स्टॉक में आपको तेजी देखने मिले। 865 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 820 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए कैश का स्टॉक है एसजेवीएन, ग्रैनुल्स के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और पिरामल एंटरप्राइज, यहाँ पर 2200 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। टेक्निकली बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है सनफार्मा का, मिस नहीं करना चाहिए। 1050 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिए और नतीजे आए बहुत शानदार क्रिसिल के, 1 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी कीजिए। और निवेश के लिहाज से खरीदने दिग्गज एमएनसी फार्मा कंपनी एबिट इंडिया, 24000 रुपए का लक्ष्य होगा। खबरों का असर देखने को मिलेगा बारबेक्यू नेशंस में, रॉसेल इंडिया में आएगी तेजी, जीई शिपिंग में करेंगे खरीदारी और एनएलसी इंडिया में बस अभी बाकी है। 85 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पे क्रिसिल, यहां पर अगर आप देखें तो कारोबार बहुत मजबूत है, नतीजे बहुत शानदार, 1 महीने का व्यू बनाकर चले 3600 के पार जाएगा। ओके तो चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है आशीष, लेकिन एक तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, नो डाउट जाते जाते हम शायद बोलेंगे कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन दिन तो पूरा निकालना है। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में किस तरह के आपको रणनीति बनाना है और किस तरह के आज आपको दिन भर ट्रेड करना है, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी देखिए 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट अभी भी दिखा रहा है और एशिया यहाँ भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हमने आशीष शो जब शुरू किया था तब भी सिंगापुर निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, गिरावट बढ़ नहीं रही है। हाँ, लेकिन गिरावट कम भी नहीं हो रही है, यही तो दिक्कत की बात है।